छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज वर्चुअल मैराथन का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के खेल एवं युवा कल्याण और जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित इस मैराथन में मुख्यमंत्री मंत्री मोहम्मद अकबर, अमरजीत भगत, प्रेम साय सिंह टेकाम, अनिला भेड़िया, विधायक विकास उपाध्याय, मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सुबह सुबह दौड़ लगाई और आम जनता की हौसला अफजाई की। मंत्री, विधायकों और अधिकारियों सहित छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोगों ने हिस्सा लिया। कुछ ही घंटों में ये आयोजन गूगल पर टॉप ट्रेंडिंग करने लगा है और 70,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया और दौड़ में हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने दौड़ते हुए सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो अपलोड किया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वरा समता सुप्रिया पांडे फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गई है। सुप्रिया, कैसा ये कार्यक्रम का रहा और इसमें लगभग कितने लोगों ने हिस्सा लिया? इसमें लगभग हिस्सा लेने की बात की जाए तो 70,000 से अधिक प्रतिभागियों ने यहाँ पर ऑनलाइन पंजीयन कराया था और दौड़ में हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने दौड़ते हुए हैशटैग रन विद छत्तीसगढ़ के साथ सोशल मीडिया में फोटो और वीडियो भी अपलोड किए, जो देखते ही देखते हैशटैग रन विद छत्तीसगढ़ जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। और वर्चुअल मैराथन को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद जो है सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड किए उन्होंने और आम जनता को संदेश भी दिया है कि आप भी दौड़े और छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की जो एक डायलॉग है वो यहाँ पर सामने आ रहा है। बात है स्वाभिमान की, छत्तीसगढ़िया अभिमान के तहत यहाँ पर वर्चुअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसकी वजह से भूपेश सरकार की जो कार्यकाल है वो 2 साल के कार्यकाल उनके 17 दिसंबर को पूरे होने जा रहे हैं, जिस वजह से उससे पूर्व जो है वर्चुअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। राज्य सरकार के खेल एवं युवा कल्याण और जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित इस मैराथन में मुख्यमंत्री, अधिकारियों सहित छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोगों ने भी हिस्सा लिया है। कुछ दिव्यांग है उन्होंने भी हिस्सा लिया है। तो तमाम यहाँ पर लोगों पर उत्साह देखने को मिल रहा है कि वर्चुअल मैराथन है तो तमाम लोग यहाँ पर हिस्सा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से यहाँ पर विधायक है, मंत्री है, सभी यहाँ पर जागरूक है और सभी यहाँ पर लोगों को संदेश भी दे रहे हैं कि वर्चुअल मैराथन में हिस्सा ले और इस आयोजन को सफल बनाए। इस मैराथन को लेकर मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने कहा भी है कि ये छत्तीसगढ़ की सम्मान की बात है, हैशटैग रन विद छत्तीसगढ़ के साथ सभी दौड़ भी रहे हैं। 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 2 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर विकास के कार्यों का बखान भी किया जाएगा। मंत्री अमरजीत भगत ने ये भी कहा है कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ के लिए दौड़ना अच्छी बात है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो इस संदेश के साथ भी लोगों को यहाँ पर वर्चुअल माध्यम से खास बात हमने देखी। इस कार्यक्रम की खास बात यही रही कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए यह आयोजन हुआ, शायद यही वजह है इसका नाम ही वर्चुअल मैराथन रखा गया है। लिहाजा हमने देखा कि सोशल मीडियम से भी बहुत सारे फोटो साझा हुए हैं, चाहे वो खुद मुख्यमंत्री हो या फिर तमाम जनप्रतिनिधि हो, बड़े बड़े नेता हो। तो अभी तक सोशल मीडिया पर खुद की पोस्ट डालते हुए लगभग कितने नेताओं के नाम सामने आए हैं? सुप्रिया, सोशल मीडिया का अगर फोटो और वीडियो की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया में फोटो डाला है। इसके साथ ही ताम्रध्वज साहू जो गृह मंत्री है, मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, मंत्री अनिला भेड़िया और इसके साथ ही विधायक विकास उपाध्याय, मुख्य सचिव जो है अमिताभ जैन, उन्होंने भी दौड़ते हुए वीडियो पोस्ट किया है। सुकमा कलेक्टर जगदीश नंदनवार ने पोस्ट किया है, तमाम जिले के कलेक्टर है, तो आम जनता है वो हैशटैग रन विद छत्तीसगढ़ के माध्यम से यहाँ पर फोटो और वीडियो अपलोड करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तक तमाम मंत्री जो है वो वीडियो अपलोड कर चुके हैं और इसके साथ ही आम जनता को ये संदेश भी दे रहे हैं कि वर्चुअल मैराथन के माध्यम से आप भी दौड़िए और बाकी लोगों को भी उत्साह वर्धन कीजिए, क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में दौड़ने से जो है लोगों के स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा सुधार होगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बार कोरोना काल में काफी लोगों को मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ा, तो ये जो वर्चुअल मैराथन है ये एक नई पहल है ताकि आम जनता जो है वो इससे कुछ सीखे और वर्चुअल मैराथन के माध्यम से वो शामिल भी हो सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो इसी वजह से रन विद छत्तीसगढ़ के माध्यम से भी वर्चुअल मैराथन का आयोजन किया गया है। कोरोना काल है तो सबको साथ में लेकर नहीं दौड़ा जा सकता, इसलिए भी यहाँ पर वर्चुअल मैराथन का आयोजन किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुप्रिया।
वर्चुअल मैराथन आज छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू किया है। बहुत अच्छा स्टार्टअप है ये, और इसमें हम लोग ने सबने भाग लिया है मिलके, और ये सेहत के लिए अभी कोरोना काल में बहुत अच्छी चीज थी जो वर्चुअल मैराथन हुआ है, तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार का। कोरोना काल को देखते हुए ह्यूमिनिटी पावर को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार वर्चुअल मैराथन दौड़ की एक अच्छी पहल की गई है, उसके लिए हम सरकार को भी धन्यवाद देते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों में एक जागरूकता लाने के लिए, सेहत के लिए इस वर्चुअल मैराथन दौड़ को किया गया। 13 दिसंबर को मैराथन का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। सभी आज दौड़ रहे हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ के लिए। दौड़ने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मस्तिष्क निवास करता है। स्वास्थ्य व्यक्ति ही अच्छा काम कर सकता है छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। सबको दौड़ना है, दौड़ेगा छत्तीसगढ़ तब तो बढ़ेगा छत्तीसगढ़। बात अभिमान के, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के, हमारी सरकार 2 साल पूरा होने पर ये वर्चुअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ विकास की ओर बढ़ रही है, और हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं, उसी के साथ साथ विकास की रथ भी आगे बढ़ाएंगे। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अभिमान का, छत्तीसगढ़ के सम्मान का, छत्तीसगढ़ियों का सम्मान का बात है। 13 तारीख को रनवे छत्तीसगढ़, इसमें सभी लोग दौड़ लगा रहे हैं। 17 तारीख को भूपेश बघेल सरकार की 2 साल पूरे हो रहे हैं, उसमें सभी यहाँ के जो विकास हुए हैं 2 साल में, उन सबका बखान भी करेंगे और देश को आगे बढ़ाने में जो उनकी भूमिका रही है वो सब देख रहे हैं। तो ये जो दौड़ आज हम लोग छत्तीसगढ़ में हम लोग कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और यहाँ के विकास के लिए एक दौड़ सबको करना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ आगे बढ़े। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के। रन विद छत्तीसगढ़ और वर्चुअल मैराथन का आयोजन छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है। कोरोना को देखते हुए जिस प्रकार से कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार इस प्रदेश में काम कर रही है, उस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है और मानक दूरी को मेंटेन करते हुए आज वर्चुअल मैराथन, इसमें बड़े बड़े लोगों ने, मैंने ताम्रध्वज साहू जी का देखा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी का मैंने देखा, सब लोग इस प्रदेश के लिए उत्साहित हैं, इस प्रदेश के विकास के लिए उत्साहित हैं। जो सोच छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की को आगे बढ़ाने की है, उसके अभिमान को आगे बढ़ाने की, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल जी की सरकार उस काम को कर रही है। बिलासपुर में खेल और युवा कल्याण मंत्रालय की ओर से आयोजित वर्चुअल दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें विधायक शैलेश पांडे, संसद सचिव रश्मि सिंह और महापौर रामशरण यादव अपने अपने घरों में इस वर्चुअल दौड़ में शामिल हुए। आम लोगों तक इस वर्चुअल दौड़ की जानकारी नहीं होने की वजह से वो इसमें शामिल नहीं हो सके, जिसकी वजह से केवल VIPs ही इसमें शामिल हुए। सामने देखो, सामने